बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम क्लास वन का चैप्टर नंबर जो है 7 वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बुक देख रहे हैं, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन बुक 1 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड जी। ये हमारा यूनिट नंबर जो 7 है, ये द ड्रोन यूनिट नंबर 7 की रीडिंग और ट्रांसलेशन करने हम जा रहे हैं। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले आपने क्या करना है? व्हाट डज अ ड्रोन डू? हैव यू एवर सीन अ ड्रोन? यानी कि आपने बच्चों को एक व्यू देना है ड्रोन के बारे में कि क्या आपने कभी ड्रोन देखा है और ये क्या काम करता है। ये आप जो भी प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, आफ्टर रीडिंग टास्क होते हैं, ये इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। थोड़ा सा आप हिंट दे सकते हैं, यानी कि व्हाट डज अ ड्रोन डू, ड्रोन क्या करता है। हैव यू एवर सीन अ ड्रोन, क्या कभी आपने कभी ड्रोन देखा है? ज़्यादातर बच्चों ने देखा होगा ड्रोन, तो आप ये ओवरव्यू दे सकते हैं कि ड्रोन से हम पिक्स वगैरह बना सकते हैं, मूवीज बना सकते हैं, और ड्रोन जो है वीडियो बनाता है, मूवी वगैरह, फ़ोटो वगैरह आजकल ड्रोन के ज़रिए बनाई जा रही हैं। ठीक है, आगे है वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। वो वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है ज़हीन, चलाक। क्विक टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, इंटेलिजेंट, यानी कि जो अंडरस्टैंड करने में बहुत तेज़ हो उसको क्लेवर कहा जाता है। आगे है वर्कशॉप, आ रूम और बिल्डिंग। वर्कशॉप, जैसे वर्क काम को कहते हैं, शॉप दुकान को कहते हैं, वर्कशॉप काम की दुकान। आ रूम और बिल्डिंग, कमरा या इमारत। इन विच थिंग आर मेड और रिपेयर, जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं और उनको रिपेयर, ठीक किया जाता है, उसको कहते हैं वर्कशॉप। वासिफ़ डैड इज़ वेरी क्लेवर। वासिफ़ कौन है? वासिफ़ इस लड़के का नाम है, ये जो खड़ा है वासिफ़। ये जो एस का मैंने आपको बताया था, जो का की के लिए इस्तेमाल होता है, ये कौन है? ये उसका डैड है, ये उसके फादर हैं, ये वासिफ़ है। यानी कि वासिफ़ डैड, वासिफ़ के अब्बू इज़ वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा ज़हीन है। ही हैज़ अ वर्कशॉप, उनकी एक वर्कशॉप है। ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूज़फुल थिंग, जहाँ वो बहुत सी मुफीद चीज़ें तैयार करते हैं। लुक वासिफ, देखो वासिफ, सेड डैड, डैड ने कहा। वन डे, एक दिन। सेड डैड, सेड होता है कहना, डैड पापा भी कह सकते हैं, अब्बू कह सकते हैं, अब्बा जान कह सकते हैं, जो भी आप कहते हो आपको इजी लगे। वन डे, एक दिन, अब्बा जान ने वासिफ को कहा, देखो वासिफ, ही शोड वासिफ अ स्मॉल मशीन, उन्होंने वासिफ को एक छोटी मशीन दिखाई। इट हैड फोर लेग्स, जिसकी चार टांगें थीं। इट हैड फोर स्मॉल फैंस, और उसके चार ही पंखे थे, फैन जो उसके ऊपर लगे हुए थे वो भी चार थे। दे वर आल ज्वाइंट, वो तमाम के तमाम ज्वाइंट जोड़े गए थे, बाय पीसीज ऑफ वायर, तार के टुकड़ों से चारों को आपस में जोड़ दिया गया था। वाओ, सेड वासिफ, वासिफ ने कहा, वाओ। कैन इट फ्लाई डैड, डैड क्या ये उड़ सकता है? ओ यस, ओ हाँ, सेड डैड, डैड ने कहा, अब्बू ने कहा, इट कैन फ्लाई, ये फ्लाई कर सकता है। इट कैन टेक फोटोस, ये तस्वीरें ले सकता है। इट कैन टेक अ वीडियो, ये वीडियो भी बना सकता है। टू का मतलब होता है बी, टू का मतलब होता है बी। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। इट कैन टेक फोटोज, ये तस्वीरें बना सकता है। इट कैन टेक अ वीडियो, टू ये वीडियो भी बना सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ ड्रोन, इसको ड्रोन कहते हैं। ही शोड वासिफ अ टिनी कैमरा ऑन द ड्रोन, उन्होंने उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ भी वासिफ को दिखाया। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट वर्क्स, ये काम करेगा। सेड डैड, डैड ने कहा, अब्बू ने कहा, यू आप कैरी द ड्रोन, आप ड्रोन को पकड़ो। आई विल ब्रिंग माई सेल फोन, मैं अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। यानी कि उन्होंने ड्रोन जो था वो वासिफ को पकड़ा दिया और ख़ुद वो क्या करने लगे,
कि मैं अपना सेल फोन लेकर आता हूँ, आप मेरे इस ड्रोन को पकड़ो। वाई डैड, क्यों डैड, आस्क्ड वासिफ। वासिफ ने कहा कि क्यों, क्या करना है सेल फोन, कि क्यों आप लेके आ रहे हैं सेल फोन। वी यूज द सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन, हम सेल फोन को ड्रोन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेड डैड, डैड ने कहा प्रेस अ नंबर एंड द ड्रोन विल वर्क, नंबर को प्रेस करते हैं और ड्रोन काम करता है। डैड शोड वासिफ अ पीस ऑफ पेपर, अब्बू ने वासिफ को एक पेपर का पीस दिखाया, जैसा कि ये पीस बना हुआ है, ऐसा पीस दिखाया। वन इज इक्वल टू अप, टू इज इक्वल टू डाउन, थ्री इज इक्वल टू लेफ्ट, फोर इज इक्वल टू राइट, फाइव इज इक्वल टू फॉरवर्ड, सिक्स इज इक्वल टू बैक। यानी कि इसका मतलब ये है कि वन प्रेस करेंगे तो ड्रोन अप जाएगा, टू प्रेस करेंगे तो ड्रोन जो है वो नीचे जाएगा, डाउन हो जाएगा, थ्री करेंगे तो लेफ्ट पे जाएगा, फोर प्रेस करेंगे तो राइट पे जाएगा, फाइव प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा, सिक्स प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड पीछे की तरफ जाएगा, बैक हो जाएगा। डैड एंड वासिफ, अब्बू और वासिफ पुट द ड्रोन ऑन द ग्राउंड, वासिफ और उसके अब्बू जो हैं वो ड्रोन को एक खुली जगह पे ग्राउंड में ले जाते हैं। डैड प्रेस्ड सम नंबर्स, डैड जो हैं वो कुछ नंबर्स को प्रेस करते हैं। द ड्रोन बूस्ट, ड्रोन चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा वो स्टार्ट हो जाता है। इट वेंट अप इन टू द एयर, यानी कि अब वो जाने लगा है हवा के अंदर। लुक लुक, देखो देखो, सेड डैड, डैड ने कहा, ही शोड वासिफ द वीडियो ऑन द फोन, यानी कि उसने कहा देखो देखो, पापा कहते हैं देखो देखो, ये दिखा रहा है, शो कर रहा है वीडियो ऑन द फोन, यानी कि इसकी जो ये फ्लाई कर रहा है इसकी वीडियो जो है वो फ़ोन पर आ रही है। वासिफ कुड सी द स्ट्रीट, वासिफ जो है वो क्या देख सकता है, स्ट्रीट गली को, अब वासिफ गली को देख सकता है, द ट्रीज और दरख्तों को देख सकता है, एंड आल द रूफ्स और तमाम छतों को देख सकता है। मोबाइल के ऊपर जो कि कैमरा लगा हुआ है, वो जो वीडियो बना रहा है वो सारा अक्स जो है वो मोबाइल के अंदर दे रहा है चीज़ों का। वासिफ क्लैप्ड, वासिफ जो है वो ताली बजाता है। वासिफ क्लैप्ड एंड शाउटेड, वासिफ ताली बजाता है और चिल्लाता है। डैड स्माइल्ड, डैड क्या करते हैं, डैड मुस्कुराते हैं। स्टॉप शाउट वासिफ, चलाना बंद करो वासिफ, गो बैक यानी कि स्टॉप उसको बंद करवा लेते हैं। शाउट आसिफ, वासिफ कहता है कि इसको स्टॉप करो, स्टॉप करो, गो बैक टू डैड ट्री, इसको बैक लेकर आओ उस दरख्त की तरफ। आई सा समथिंग देयर, मैंने वहाँ कोई चीज़ देखी है। डैड प्रेस्ड सिक्स, सिक्स हमने किस लिए प्रेस किया था, बैक के लिए। डैड क्या करते हैं, सिक्स को प्रेस करते हैं। डैड प्रेस्ड सिक्स एंड द ड्रोन केम बैक, डैड जो है वो सिक्स प्रेस करते हैं, छः का बटन दबाते हैं और ड्रोन वापस आ जाता है। आई कैन, आई मैंने, कैन सी आई, मैं कैन सी देख सकता हूँ, माई कैट अपनी कैट जिसका नाम है शीबा, आई कैन सी माई कैट शीबा ऑन आ ब्रांच, मैं दरख्त की शाख के ऊपर अपनी कैट शीबा को देख सकता हूँ। सेड वासिफ, वासिफ ने कहा, शी के नॉट कम डाउन, जो के नीचे नहीं आ सकती। डैड लैंडेड द ड्रोन, डैड जो हैं अब्बू वो ड्रोन को नीचे उतार लेते हैं, ड्रोन लैंड कर जाता है। ही एंड वासिफ गॉट अ टॉल लेटर, ही यानी कि उनके पापा और वासिफ जो हैं एक लंबी सीढ़ी लेकर आते हैं। डैड क्लाइम्ड अप, अब्बू ऊपर चढ़ जाते हैं, एंड ब्रॉथ शीबा डाउन, और बिल्ली शीबा को लेकर नीचे आ जाते हैं। शीबा वाज वेरी हैप्पी, शीबा बहुत खुश है। शी म्यूट एंड म्यूट, वो म्याऊ म्याऊ कर रही है। डैड इज़ अ ग्रेट मशीन, ये एक बहुत बड़ी मशीन है। सेड वासिफ, वासिफ ने कहा,
इस यूनिट के जो राइटर हैं वो हैं निकोलस हॉर्सबर्ग। जैसे इस पिक में हम देख सकते हैं कि ड्रोन फ्लाई कर रहा है, ये कैट खड़ी है, ये वासिफ है और ये इसके फादर हैं। इसी तरह से ये एक पिक है और एक ये पिक दी हुई है, ये कैट इसके ऊपर बैठी है। वाइल्ड रीडिंग के दौरान क्या करना है, व्हाट कुड वासिफ सी इन द ड्रोन्स वीडियो, यानी कि वासिफ ने क्या देखा, व्हाट कुड वासिफ सी, यानी कि वासिफ ने इन ड्रोन्स वीडियो, उसने क्या देखा कि उसकी कैट ऊपर कहीं ब्रांच के ऊपर बैठी हुई है जो कि नीचे नहीं आ सकती। ये उसने कैट को भी देखा, ट्रीज को देखा, छतों को देखा, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को वासिफ ने देखा। आई थिंक आपने प्रॉपर तौर पर इसकी ट्रांसलेशन अंडरस्टैंड कर ली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।